गाना बहुत कैची है और शादी का ही गाना है, तो बहुत आप लोगों को मज़ा आने वाला है। मुझे गा के बहुत मज़ा आया, तो बिल्कुल एनर्जेटिक गाना है और उसमें हल्का फोकस टेक्सचर भी है, तो आपको मज़ा आएगा। सर आपसे जानना चाहूँ, स्वाति के संग हम लोग कई गाने आपस में कर चुके हैं, स्वाति को बहुत साल से जानता हूँ, हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं, मेरी एक लास्ट फिल्म में भी गाया था। और ये जब गाना बना तो उस समय स्वाति का जो एक टेक्सचर था माइंड में, जैसे गाना था बन्नो तेरा स्वागर, मैंने कहा उस टाइप का ही टोन गाने को चाहिए, तो मैंने स्वाति को फ़ोन किया, मैंने कहा ये जो गाना है उस टाइप का ही गाना है, शादी फेस्टिवल का गाना है। तो थकी हुई थी अभी शो करके, ये लोग नवरात्रि से आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आज हमने शायद 15 मिनट में डबिंग कर ली, इतना अच्छा ट्यून अप है, 15-20 मिनट में हमारा गाना कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा गाया है स्वाति ने गाना, और क्रेडिट तो भरत जी को जाता है जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन हमको मिला। मतलब एक होती है म्यूजिक के लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतनी फ्रीडम मिली कि हमने गाना डब कर लिया, उसके बाद आए और क्या फ्रीडम चाहिए। स्वाति आपको जो गाना है अनुवेश बनू, उसका अभी तक जिक्र होता है, अभी ट्रेंडिंग पे है, कितना बड़ा एक्सपोजर मिला इस गाने का आपको? मैं तो कहती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ का शोले है वो गाना, मतलब कितने गाने आएंगे और लेकिन वो उस गाने का एक अलग ही जगह रहेगा। और पहला ही गाना था, डेब्यू सॉन्ग था, बट उससे इतना बड़ा एक्सपोजर मिला है कि आज तक जहाँ भी जाती हूँ, इंडिया में ही नहीं इंडिया से भी बाहर, जब भी शो करती हूँ तो एक अलग क्रेज़ है इस गाने का। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इसके, तनिष्क बागची जी, वायु, आनंद एल राय सर, जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल। देखिए बात ऐसे होती रहती है, अब वही आपको पता है इंडस्ट्री में, जब तक हो ना जाए, जब तक आना जाए, कहना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए वेट करते हैं। बड़ा फेस्टिवल गाना है और हम लोगों की क्या टीम बड़ी अच्छी है, ये निम्बावत जी हैं, हम लोग 3-4 फिल्में साथ में कर रहे हैं, हमने एक फिल्म कबड्डी भी साथ में की, तो एक बड़ा फैमिली वाले एटमोसफियर में काम हो रहा है। मतलब कोई म्यूजिक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रीडम बहुत चाहिए। अपने भरत जी हैं तो हमारी खाली बात उसी टाइम पे होती है जब हमको पैसे लेने होते हैं इनसे, तो बस उसके बाद फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है, हम लोग इसको पूरा राजस्थान में निम्बावत जी इसको शूट कर रहे हैं, पाली लोकेशन है, पाली उदयपुर। हाँ तो लेकिन राजस्थान का आपने जिक्र किया, कहने के वो उससे जुड़ा हुआ है, राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई गाना इसमें डाला आपने? सर अभी म्यूजिक पे काम चल रहा है, तो अब देखिए आज पहला गाना रिकॉर्ड किया है, जरा आज जाएंगे पार्टी वार्टी करेंगे थोड़ा, और उसके बाद फिर देखते हैं कैसे। म्यूजिक से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं स्टोरी क्या है आप बताना चाहेंगे? सर ये बता सकते हैं, स्टोरी का राइट्स तो हम लोगों को, हम क्या फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है, आजकल होने वाली लव मैरिज ज़्यादातर कोर्ट में ही दिखते हैं, उन्हीं को लेकर हमारे प्रोड्यूसर सर भरत कुमार जी जैन साहब ने एक फैसला लिया कि एक ऐसी फिल्म बनाए अरेंज मैरिज, ओनली अरेंज मैरिज, जिसमें क्या है कि परिवार से जो लड़की अपने घर को धर्मशाला समझ कर भाग जाती है, उनके लिए ये बहुत बड़ी कहानी होगी और एक समाज को नया संदेश जाएगा, समाज के लिए बहुत बड़ी कहानी होगी कि अरेंज मैरिज में लोग क्यों भरोसा करते हैं और लव मैरिज में क्यों इतने कोर्ट कचहरियों में घूमना पड़ता है। उसी को लेकर भरत जी ने मुझे फ़ोन किया था, हमारे वहाँ एक कोई ऐसा हादसा भी होता हो गया था, लड़की घर से भागने के बाद माँ बाप दोनों ट्रेन के आगे कूद गए, तो उसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने एक फैसला लिया कि इस पर एक समाज के लिए एक पिक्चर होनी चाहिए ताकि लोग देखें इसको, तो हमने एक हिंदी फिल्म बनाने का किया। तो पहला गाना हमारा स्वाति शर्मा जी ने आज आवाज़ दी, बहुत बढ़िया लगा, और बाकी आप एक्टरों की टीम देख रहे हो, प्रवीण भारद्वाज जी के साथ मेरी चौथी फिल्म है, और आप लोगों का तो हमेशा साथ रहता ही है, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, मीडिया के सभी बंधु मेरे भाई। स्वाति आप बॉलीवुड के लिए गाते हैं, आपके पास एक जाने माने प्रोड्यूसर है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनके लिए भोजपुरी भी आप करते हैं गाने? बहुत कम गाती हूँ एक्चुअली, मैं सुन लेती हूँ जो गाने मुझे अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो मुझे लगता है कि मतलब उसकी क्वालिटी, ऐसे तो पापा की पिक्चर्स आप जानते हैं कि जो भी वो करते हैं उसका अलग ही एक क्वालिटी रहता है, वो बिल्कुल म्यूज़िक वगैरह भी सब बहुत अच्छा होता है, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर मैं वो गा देती हूँ। तो अभी हालांकि उन्होंने 2 पिक्चरें करी हैं, मैं मुझे गवाया नहीं है, बताइए। तो बहुत बड़ी शिकायत है। स्वाति टाइम के अनुसार बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, जब आपका गाना आया था उसके लोगों ने रीमेक बनाया, बहुत सारे हुए जी, अपना कंपटीशन किससे मानते हैं आप इंडस्ट्री में अगर बात करें? मैं स्टार्टिंग में भी आई थी तो तब भी मुझसे पूछा जाता था, तो मैं सही बता रही हूँ, कंपटीशन नहीं, मैं सीखती हूँ, और मैं ये ऐसा नहीं सुनी सुनाई बात है या ऐसा सीख के आई हूँ, लेकिन हाँ जो भी सिंगर आते हैं, नए सिंगर भी आते हैं और जो भी मेरे से पहले भी जो जितने लेजेंडरी सिंगर्स हैं, मैं सबको सुन के जितना सीखने का कोशिश करती हूँ वही करती हूँ, तो कॉम्पिटिशन किसी को नहीं मानती हूँ,
खुद को मानती हूँ कि कल जो गाया है उससे अब आगे अच्छा गाना है। ये रियलिटी शो का आप जल्दी से बन चुके हैं कि नहीं अभी तक? हाँ किया है मैंने। कौन से शो में? तादिन दिंदा करके एक शो आया था तो उस पर मैंने उस टाइम पे किया था। तो उस टाइम पे लोगों ने कहा था कि भाई यंगेस्ट जज करके, तो उस टाइम पे वो किया था। और ऐसे मैं बचती हूँ इन सब से क्योंकि वो मुझसे ना वो, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ जब रिजेक्ट करना हुआ है। हाँ तो वो जब ऐसे हो जाता है ना तो वो मुझसे होता नहीं है। तो वही मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल बनो प्रैक्टिकल बनो। तो मे बी कभी फ्यूचर में ऐसा मौका मिलेगा तो कौन पार्टिसिपेंट में किसी में आप? नहीं आप अभी तो मतलब वो टाइम ही निकल गया, मतलब अब पार्टिसिपेंट वाला तो अब तो वो तो नहीं है। रनिंग प्रोजेक्ट अभी जैसे रिसेंट तो अभी आया था धर्मा से जुगजुग जियो, उसमें मैंने काफ़ी डिफरेंट गाना गाया था तो वो किया था। और अभी कुछ गाने हैं जो कि लाइनअप में है जो इस साल आएंगे, सिंगल्स भी हैं कुछ, अगेन वेडिंग के 2-3 सॉन्ग्स हैं वो भी आने वाले हैं। तो प्लस अभी है कुछ ऐसे बता नहीं सकती, बट जैसे आएगा तो आप लोगों को तो पता चली जाता है। प्रवीण भाई अगर इसके साथ में और कौन कौन सिंगर जो लगे सिंगर आपके फिल्म में जुड़ेंगे? देखिए आज पहला गाना रिकॉर्ड किया है तो आगे क्या क्या सिंगर होंगे जरा उन गानों पे हम सब आगे लाइनअप करें तो वो तभी मैं बता सकता हूँ। आज फर्स्ट सॉन्ग तो स्वाति का ही है तो पूरा फोकस इसी गाने पे था क्योंकि मुहूर्त गाना था, फर्स्ट इम्पोर्टेंट गाना था। तो अभी आगे का जैसे जैसे गाने हम लाइनअप करते जाएंगे तो बुलाएंगे आपको, याद करते जाएंगे बताते जाएंगे। प्रणाम, मेरा नाम जितेन मुखी। इस फिल्म ये जो फिल्म हम शुरू कर रहे हैं इसके अंदर मेरा एक किरदार है जो कि एक वकील वाला कैरेक्टर है, एक वकील का कैरेक्टर है जहाँ पर हमारी जो मेन लीड एक्ट्रेस है वो आती है और डिवोर्स मांगने के लिए आती है। तो मैं भी हमेशा अपने क्लाइंट के साइड पे रह के ये कोशिश करता हूँ कि डिवोर्स जल्द से जल्द हो उसका। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा भी उसमें है कि भाई इतना बड़ा ये केस है उसके अंदर इसको अगर मैं डिवोर्स दे दूँ तो हो सकता है कि ये जो वकील है उसका कुछ पर्सनल चांसेस लग जाए वो हीरोइन के साथ। तो थोड़ा सा वो कैरेक्टर है, बड़ा थोड़ा सा श्रूड बिजनेसमैन टाइप जो कि कट्टर वकील होते हैं जिनको अदालत की सारी जानकारी होती है कि ये पेपर डालने से ये होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ये करेंगे तो डेट मिल जाएगी, ऐसा करेंगे तो डेट आगे चली जाएगी। तो उस तरीके का वो कैरेक्टर है और बड़ा जुगाड़ू कैरेक्टर टाइप जो बोलते हैं कि भाई नहीं अपने को कुछ भी हो जाए इट इज़ ईस्ट और वेस्ट इनका डिवोर्स तो होना ही चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि जब फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली यू गाइज आर गोना सी इट एंड ऑल माई गुड विशेज फॉर द कास्ट एंड क्रू। थैंक यू सर। आप बताइए किरदार के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ इमरान नज़ीर खान और इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है वो एक टाइप ऑफ हीरो यू कैन से कि कॉलेज में एक लड़का होता है जो फुल टू धमाल एक फुल हीरो टाइप का होता है तो वही मेरा कैरेक्टर है इसमें। कॉलेज में मेरी गर्लफ्रेंड बनती है जिसकी ये स्टोरी है तो आगे जाके उसकी शादी होती है देन उसका डाइवोर्स होता है तो ये सब कुछ है इसमें, बाकी फिल्म में है आएगा तो आप वो देख लीजिएगा। जी मैं श्रावणी गोस्वामी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हूँ यहाँ पे जो कि मदर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो मुझे खुशी होगी। और निमावत जी हमारे डायरेक्टर है, भरत जी हमारे प्रोड्यूसर हैं और निमावत जी के साथ उनके लगभग हमने जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया मैंने काम किया उसमें तो और अच्छे से किया, दिल से किया। ये भी काम बहुत अच्छे से होगा मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत जल्दी फिल्म शुरू हो रही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और शायद हम नेक्स्ट मंथ फ्लोर पे जा रही है इसकी, है ना, ये फिल्म लेके हम राजस्थान जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा तो मैं होपफुली सब अच्छा हो जाएगा और आप लोग देखिएगा फिल्म में क्या है ना। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका चौहान है। फिलहाल तो मुझे इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता है बिकॉज जितेन सर के साथ मैंने काम किया है, ही वॉज अ वेरी गुड को एक्टर ऑफ माइन तो उन्होंने मुझे अभी इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे तो देखते हैं। और मेरी तरफ से कास्ट एंड क्रू को ऑल द बेस्ट और देखते हैं कि आगे हम लोग कितने अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं और होपफुली आप लोगों को हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आए। डायरेक्टर जो होते हैं और एक्टर्स होते हैं दोनों मिल के जान डाल देते हैं एक प्रोजेक्ट में। बिना डायरेक्टर विजन के एक एक्टर काम नहीं कर सकता और बिना एक्टर के एक डायरेक्टर काम नहीं कर सकते हैं तो इट्स अ टीम वर्क एंड बस यही है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करें और आप लोगों को व्यूअर्स को हमें हमारी फिल्म पसंद आए। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सभी मीडिया वालों को कि आप लोग आए टाइम निकाल के। और मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं इसमें एज अ नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ क्योंकि बाकी स्टोरी का तो मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं है। और हमारे डायरेक्टर हैं एसपी निम्बावत सर
क्योंकि काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मैं उनके साथ ऑलरेडी पहले भी एक फिल्म और सीरीज कर चुका हूँ, और हमारे प्रोड्यूसर सर को भी ऑल द बेस्ट, बाकी पूरी टीम एंड क्रू को ऑल द बेस्ट, बाकी होपफुली सब कुछ अच्छा होगा और आप लोग देखेंगे बहुत जल्द। थैंक यू। हाय, मेरा नाम हितांशु जिंसी है और मैं ये फिल्म जो कर रहा हूँ इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो मेरी जो वाइफ होती है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा नोकझोंक भी होंगी और प्यार भी होगा, बहुत कुछ होगा, और हमारी लाइक जो भी कोर्ट कचहरी का सीन है वो सब चीज़ें बहुत ही एक्साइटिंग मोड से स्टार्ट होगी, जो कि फिल्म्स में बहुत कई कम फिल्मों में देखने को मिलता है कि बहुत अजीब तरह से स्टार्ट हो रहा है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं यार ये कैसा स्टार्ट था। कुछ इस तरह का स्टार्ट है इस फिल्म का कि लोग क्वेश्चन बहुत सोचते रहेंगे यार ये अभी ये हुआ क्या, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये क्या होने जा रहा है, और बाद में जाके जब चीज़ें सही होने लगेंगी और लोगों को समझ में आएगा कि ओके अभी ये फैसला आने वाला है, और उस टाइम पर कुछ ऐसा एक सरप्राइज़ होगा जो कि मैं भी शॉक हो गया था सुन के, क्योंकि मैं जब सुन रहा था स्टोरी तो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा, क्योंकि फिल्मों में क्या होता ना कि एक फ्लो में कहानी चलती है और वैसे ही ख़त्म हो जाती है, तो इसकी कहानी क्या है कि शुरू कहीं से हो रही है और फिर आगे जाके जो चीज़ें लगेंगी अब चलो ठीक है ये हो रहा है वो नहीं होगा, कुछ और ही हो जाएगा। अब ये चीज़ मैं बता नहीं सकता लेकिन मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा, तो ये चीज़ फिल्म में ही देखने को मिलेगी आपको, तो आई होप कि जी सर जैसे हम देख रहे हैं एक्टर्स सारे अच्छे हैं और एक्साइटेड भी है, तो सर कब से शूट शुरू होने वाला है और थोड़ा सा बताइए, लोकेशन बहुत मैटर करने वाली है क्योंकि शादी का पूरा माहौल आई गेस दिखाने वाला है आप लोगों का, तो उस बारे में कुछ बताइए कि लोकेशन कौन से चूज़ किया। लोकेशन हमने उदयपुर में भी देखी है राजस्थान के, और चार भुजा हमारे यहाँ श्रीनाथ जी का बड़ा मंदिर है और बहुत जिसको मिनी बॉम्बे बोला जाता है, वहाँ हम लोग इसको शूट करेंगे, पाली रानी और एक गोरम घाट आपने कभी सुना होगा जिसमें वो ट्रेन घूम के जाती है ऐसे, वहाँ पे हम लोगों ने गाने की परमिशन ली और वहाँ हम लोग गाने शूट करेंगे दो, और बाकी जो हमारे भरत जी हैं उधर के ही हैं, हमारे प्रोड्यूसर सर हैं, वैसे तो अभी भिवंडी रहते हैं लेकिन प्रॉपर इनका वहीं पे है तो थोड़ा आसपास में हमें काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाएगी। सर भरत सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सारे एक्टर्स और सिंगर्स कह रहे हैं बहुत सपोर्टिव है और बहुत सारी चीज़ें, कितना इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है एज अ प्रोड्यूसर आपका फिल्म के अंदर? आप शुरू से लेकर अंत तक, तो रिलीज तक, रिलीज तक और रिलीज के बाद में भी अगर मुझे और भी लगा और अगर मेरे को लग रहा है कि इसमें स्कोप है और मेरे को अच्छा लगा तो आगे भी और भी फ्यूचर के लिए भी आगे प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और निम्बावती जी से ज़्यादा नहीं है, मेरे को लगभग डेढ़ साल दो साल से हम जुड़े हुए हैं, कम से कम डेढ़ साल से कह रहे हैं कि भरत जी यार एक पिक्चर बनानी है, पिक्चर फिल्म बनानी है, हालाँकि मेरा बिजनेस तो फिल्म का कुछ नहीं है, मेरा कोई अलग बिजनेस है, ऑलरेडी चार पाँच बिजनेस है, पर भाई साहब ने बोला कि यार भरत भाई एक बार आप इन्वेस्टमेंट करके देखो क्या होता क्या नहीं है। अच्छा, बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट है तो दुनिया का दो भाग है, अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो कभी भारत जीतता है कभी पाकिस्तान जीतता है, हार और जीत तो बाद में देखी जाएगी, ठीक है। बस एक भाई की वजह से हमने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, और इन्वेस्टमेंट करने का तो बाद में जब इन्होंने स्टोरी, मैंने इनको यही बताया कहा था कि स्टोरी होनी चाहिए, रिसेंटली छः महीने भी नहीं हुए, दो तीन महीने पहले है ना, हमारे वहाँ पे एक अच्छी कास्ट की लड़की एक शेड्यूल कास्ट लड़के से शादी कर ली, जब उनके माता पिता पुलिस स्टेशन में गिड़गिड़ा रहे थे, जब उसने मना कर दिया कि मैं इनको जानती नहीं, और मेरी लाइफ में मैंने पहला ऐसा केस देखा कि माता पिता एक बच्ची के लिए बलिदान दिया ट्रेन के सामने आते, ट्रेन के आगे कूद कर मतलब अपनी जान गंवा दी, फिर भी उसके अंतिम संस्कार तक वो बच्ची नहीं आई, मतलब जिस माता पिता ने उस बच्ची को पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज वो चंद दिनों के लड़के के साथ अपने माँ बाप को भूल गई, और अपने माँ बाप ने उस स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी, और मैंने भाई साहब को बोला ये वाली स्टोरी इसमें डालनी है, मतलब कुछ रेफरेंसेस देखने मिलेंगे हम लोगों को पक्का, आपको तो इसमें ऐसा भी मिलेगा, इसमें एक सीन और भी इतना अच्छा है कि तलाक देने के लिए जब कोर्ट जा रहे हैं पति पत्नी है? उसी के अंदर उनका प्यार है, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, प्यार लड़की वो एक कब हो जाता है। अच्छा, वापस कि निम्बावती जी है जो कर रहे हैं, मेरे पास फिलहाल आपको मालूम है कि अगर 50 फोन करते हैं तो एक फोन अटेंड होता है, इतना काम में मैं बिजी रहता हूँ, ठीक है, जो करेंगे जो निम्बावती है उनके पीछे तो अपन ही। थैंक यू सो मच। मैंने जो स्टोरी सुनी थी तो उसके बाद मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे फिल्म करनी है,
और मैं जो आजकल जनरेशन चल रही है कि लोग लव मैरिजेस करते हैं, अरेंज मैरिजेस करते हैं, बट किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं है कि परफेक्ट क्या है. एक्चुअली परफेक्ट एक रिश्ता होता है, ना कि लव और अरेंज. मैं तो इस मूवी में एक डांस कोरियोग्राफर हूँ. इस गाने में अभी जस्ट गाना देखा मैं, स्वाति शर्मा जी अभी जस्ट गाना गाते गई है, तो आई थिंक सो वो गाने में मैडम लीड करेगी, तो मुझे गाना कोरियोग्राफ करने का मौका मिलेगा. और स्वाति शर्मा जी गाना गाए और प्रवीण सर ने म्यूजिक दिया है, और अपने एसपी निमोसरी जो डायरेक्टर करे इसमें, मैं असिस्ट भी कर रहा हूँ सर के साथ में, तो बहुत खुशियों का माहौल है. अभी जस्ट मैडम का वेट करते हुए जस्ट ये माहौल देख रहे हैं आप लोग. जल्दी फिल्म अभी शूट पे फ्लोर पे आ जाएगी, और आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा योगदान है, तो हमें अब जब तक दस लोगों का भी सपोर्ट मिलता रहता है, तो टाइटल इज ओनली अरेंज मैरिज आई थिंक सो मैम. ओनली अरेंज मैरिज, बस इसी दौरान का स्टोरी. बहुत सारे कमर्शियल्स कर चुकी हूँ, और मेरी एक ही प्रेफरेंस रहती है कि जो भी सब्जेक्ट हो वो वुमेन ओरिएंटेड हो, एंड सेकेंडली के लोगों के पास एक मैसेज पहुँचना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे पहले मैंने दिल्ली कांड करी थी, जो दिल्ली में रेप केस हुआ था, एंड एक अहिंसा करी थी जो कि काउ स्लॉटरिंग पे बेस्ड थी. अभी मैंने तेलुगु सिनेमा की मेरी फिल्म और रिलीज़ हो रही है, सो मतलब मैंने एक हमेशा से वो सब्जेक्ट चुने हैं जो अभी करेंटली चल रहे होते हैं और लोगों को एक स्टोरी. मैडम देखिए, टफ तो मैं ये कह सकती हूँ कि फैमिली स्टोरी है, तो घर घर की कहानी है आज की डेट में ये. और हाँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए वो निभाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, बट एज एन एक्टर ऑफ कोर्स रिहर्सल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैरेक्टर में आना होता है. मैं परफॉर्म करना चाहूँगी इस कैरेक्टर को, और चाहूँगी कि बेस्ट परफॉर्म करूँ. ओके सर, ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन.